जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हो चुका हूँ मीन राशि वाले जातकों का अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल लेकर। ग्रहों की क्या स्थिति आपके लिए इस महीने में रहने वाली है, बात करेंगे लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ, बिजनेस, जॉब और पूरे महीने की सारी शुभ अशुभ घटनाओं के विषय में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ के विषय में। लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है भाई? प्रेम संबंध के मामले में सामान्य योग दिख रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा भी नहीं होगा तो कुछ बुरा होने की संभावनाएं भी बहुत कम नजर आ रही हैं। कुछ बातों को लेकर थोड़े से मतभेद हो सकते हैं लेकिन बहुत लंबे समय नहीं चलेंगे, थोड़े ही समय में आप ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेंगे, ऐसा योग भी ग्रह बना रहे हैं। पुरानी बातों को लेकर रिश्ता खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पुरानी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं तो भाई अपने पार्टनर के साथ बात करके इनको क्लियर कर लीजिए, लेकिन अगर वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर वो सच नहीं है तो उनको लेकर अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या विवाद ना करें तो बेटर रहेगा। उसी के साथ साथ जिन लोगों की शादी हो गई है, बात करते हैं मैरिड लाइफ वाले जातकों की, तो वैवाहिक जीवन में सर्व सुख नामक योग बन रहा है। रिश्ते में विश्वास के साथ साथ प्यार भी बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे के साथ अपने बच्चों के भविष्य की चिंता आप करने वाले हैं, साथ ही के साथ प्यार के यादगार पल आपको जीवन में वास्तविक खुशी का एहसास दिलाने वाले हैं। आज अपने जीवन का आनंद अगर आप कभी लेंगे तो वो अक्टूबर के महीने में लेने वाले हैं। बात करते हैं करियर के विषय में। यह महीना प्रगतिशील है, आपकी मेहनत आपको धीरे धीरे करके सफलता की ओर जरूर ले जाएगी, भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। यह बहुत अच्छा योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है। छात्रों के लिए समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह समय आपके एग्जाम के बढ़िया परिणाम को लेकर आपको खुशी दे सकता है। वहीं कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं तो उस तैयारी को लेकर इस महीने कुछ पॉजिटिव संकेत आपको मिलने वाले हैं। पॉजिटिव रहेंगे तो सक्सेस 100% मिल जाएगी। अगर बहुत दिन से जॉब बदलने का सोच रहे हैं तो इस महीने जॉब परिवर्तन कर लीजिए, 100% जॉब परिवर्तित हो जाएगी और जिस जगह आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, जिस जगह जाना चाहते हैं या जो जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। तो यह ग्रह स्थिति इस महीने आपके लिए कैरियर, बिजनेस या जॉब के मामले में अच्छी ही बन रही है। हेल्थ के विषय में बात करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होने के पूर्ण योग नजर आ रहे हैं। अगर पिछले समय से बीमार चल रहे हैं तो हेल्थ में रिलीफ मिलने वाला है। परिवार में बीमारियां थोड़ा सा जरूर परेशान कर सकती हैं, फैमिली वालों की बीमारी के कारण आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं लेकिन ये कोई बहुत लंबे समय नहीं रहेगी, थोड़ी समय में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। महीने के अंत तक सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएंगी और आपका जीवन अच्छा चलने लगेगा। हेल्थ से लेकर कोई परेशानी नहीं रहेगी लेकिन बाहर का खाने से बचें, गंदा पानी पीने से बचने की जरूरत है, अन्यथा पेट में तकलीफ आ सकती है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बात करते हैं पूरे महीने की स्थिति के विषय में, क्या स्थिति ग्रहों की रहेगी। खर्च अधिक आपके हो सकते हैं, लाभ हो रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे लगातार इस महीने आपके बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रहेंगी, उनको पूरा करने में खर्च भी होगा और साथ ही साथ समय भी उनमें लगने वाला है। पारिवारिक जीवन में कटुता कब आ सकती है, जब आप अपने रिश्ते को महत्व नहीं देंगे, परिवार के लोगों को नहीं समझेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। पुराने मित्र से सुखद मिलन का योग आपके लिए बन रहा है। कोई अच्छा मित्र जो विदेश रहता है, जो काफी समय से आपसे नहीं मिला है, तो वो अचानक आपसे मिल सकता है और उसके साथ मिलन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये रही पूरे महीने ग्रहों की स्थिति का हाल और उनका प्रभाव। और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाइए और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दूर करने के लिए बता देता हूं, गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर, पीले रेशमी धागे में बांधकर अपनी कामना कहकर चढ़ा दीजिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जय महाकाल, हर हर महादेव।